दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से स्पेयर पार्ट्स की शॉप में हम अपने सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और स्पीड प्लस का यूज़ करके हम किस तरह अपनी बिलिंग वगैरह और कैश बुक, डे बुक जो बिजनेसमैन के काम होते हैं उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपकी कंपनी शो करती है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये कंपनी आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो पाथ दिखता है, यह पाथ होता है बेसिकली कि इस डेटा कहाँ से चल रहा है। अब आपने नेक्स्ट किया, लॉग इन किया, पासवर्ड वन डाल दिया आपने और ये आपका चालू हो गया। इसके बाद सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, आपका होता है कि आइटम, आइटम के मेनू में क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको आइटम की लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे हमने शॉर्ट नेम या पार्ट नंबर का भी ऑप्शन रखा है, मतलब अगर आपने ये पार्ट नंबर डाला, आइटम नेम डाला तो आइटम नेम आ जाएगा, छोटा हब लिखा तो अभी आइटम नेम का आ जाएगा। और इस आइटम को कुछ मॉडिफाई करना है, जस्ट सिंपल मॉडिफिकेशन करिए उस पर और अपडेट कर दीजिए तो वह आइटम अपडेट हो जाता है। सिंपल HSN कोड वगैरह भी इसमें कर सकते हैं, इसमें फोटो वगैरह भी आप अपने आइटम का अटैच कर सकते हैं। आइटम की लिस्ट अगर आपके पास एक्सेल में है तो उसको भी हम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियो है कि एक्सेल में इंपोर्ट कैसे करें। अब हम इसमें मान लीजिए कुछ आइटम हमें सर्च करना है तो यहाँ पे हम परसेंटेज अगर टाइप करते हैं और बीच का कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SHOE, तो हमने सिर्फ SHOE लिखा और ओके किया तो ये आइटम में जहाँ जहाँ भी SHOE होगा वो ऑप्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से बीच का भी आइटम से आप सर्च कर सकते हो और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, उसमें जो चेंजेस करना कर लीजिए और नया आइटम बनाना हो नया आइटम भी इस तरह से बना सकते हो आप। अब आते हैं सेल्स बिल पे। सेल बिल के लिए आप सेल के मेनू में क्लिक करते हैं। सेल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। अगर आपने पहले से कुछ बिल बनाए होंगे तो इस तरह से आपको बिल दिख जाएगी। नया बिल बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपकी डेट आ जाती है, डेट आपके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। कैश है कि क्रेडिट है ये ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं। पार्टी का नाम सेलेक्ट करने के बाद लोकल B2C या स्पेयर पार्ट्स रिटेल इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे आइटम के नेम आ जाएगा। मान लीजिए आइटम लिस्ट बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे आइटम के MRP है, तो 50-60 हज़ार भी अगर आपके पास आइटम है तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। और यहाँ पे आपने परसेंटेज टाइप किया, बीच का कुछ आइटम लिखना है, जैसे SP लिखा मैंने, तो जहाँ जहाँ पे भी SP और किट लिखा है तो इसको हमने सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही आइटम की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे देखिए HSN कोड आपको दिखते हैं और टैक्स परसेंटेज भी आपको जितने परसेंटेज है यहाँ पे शो कर देगा, स्टॉक कितना है वो दिख जाएगा, MRP कितनी है उसकी, ये ऑप्शन आ जाता है। आपने फॉर एग्जाम्पल 3 पीस लिया, इंटर किया, आपने जितना भी रेट में उसको सेल करना है सेल कर दीजिए। और अगर आप रेट चेंज करना चाहते हो तो रेट भी चेंज कर सकते हो, इंटर करेंगे। डिस्काउंट डालना है डिस्काउंट डाल दीजिए, इंटर 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 कर देंगे। इस तरह से दूसरे आइटम भी आप ऐड कर सकते हो, जो जो आपको आइटम ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद आपने, और ये रेट जो है अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक पहले से हैं तो वो भी ऑप्शन है इसमें कि ऑटोमेटिक पहले से रेट आ जाएंगे, और आप मैनुअली हाथ से डालना चाहते हो हाथ से भी डाल सकते हो। बिल बनाने के बाद सेव किया हमने, ओके किया। ओके करते ही प्रिंट के लिए ऑप्शन पूछता है। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें प्रिंट में प्रीव्यू में क्लिक करेंगे कि बिल अगर आप A5 में चाहते हैं या हाफ पेज में चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट का फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि बिल का प्रीव्यू करना है आपको या कि मेल करना है। ईमेल के अगर ऑप्शन में आप डायरेक्ट क्लिक करते हो तो डायरेक्ट मेल का भी ऑप्शन होता है। अगर आपने इसमें ये करना है कि हमें A4 का या कि दूसरे फॉर्मेट का बिल चाहिए तो हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे GST सेलेक्ट किया मैंने और ये वाले फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ओके किया। तो A4 साइज, हाफ साइज या फुल साइज जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए बस आपका फॉर्मेट यहाँ पे रेडी होके मिल जाता है आपको।
अब इसके बाद आपने डबल कॉपी निकालना है, दो उसमें टिक कर दीजिए, डबल कॉपी निकाल लीजिए। यहीं पे ऑप्शन है कि बिल बनते ही कस्टमर को एसएमएस भी जा सकता है, एसएमएस चार्जेज एक्स्ट्रा होते हैं। और यहीं पे लॉग बुक से आप उसका लेजर देख सकते हैं, जिस भी कस्टमर को आपको देखना हो आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो जो भी उसका बैलेंसेस होंगे, लेजर होगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना पेमेंट बाकी है। तो इस तरीके से देखिए, उसके सारे बिल का पूरा पैसा दिखा दिया कि टोटल उसका पैसा इतना बाकी है। अगर जो भी उसकी रिसीविंग आई तो उसकी एंट्री डाल सकते हैं आप। इसी तरह आप इससे चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, परचेज चढ़ा सकते हैं। कई जगह क्वेश्चन होता है कि हम परचेज आइटम वाइज नहीं करना चाहते, तो हमने सॉफ्टवेयर में एक जीएसटी वाउचर का ऑप्शन रखा हुआ है। इसमें आप न्यू करते हो, न्यू करते ही आपको एक ये ऑप्शन आता है कि सेल करना है कि परचेज करना है। सेल में मान लीजिए आपने क्लिक किया, क्रेडिट किया आपने, यहाँ पे जिस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है उसका सेल कर दीजिए, और लोकल स्पेयर पार्ट्स इनवॉइस डाल दिया आपने, इंटर किया। यहाँ पे आपको जीएसटी परसेंटेज पूछता है कि कितने परसेंट जीएसटी पे वो आइटम, मान लीजिए 28 आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एचएसएन नंबर आपके लिए आ जाएगा, एचएसएन डालिए, टैक्सेबल अमाउंट डालिए, जितना भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, इंटर करिए, और आपका ये पूरा एक आइटम ऐड हो गया। इस तरह सारे आइटम की एंट्री कर लेंगे, मतलब आप सिर्फ जीएसटी के परसेंटेज वाइज परचेज या सेल कर रहे हो, ना कि उसके पूरे आइटम चढ़ा रहे हो, इस तरह से एंट्री हो जाती है। तो आपकी तब भी जीएसटी रिपोर्ट बन जाएगी, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके आप जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हो। जीएसटी रिपोर्ट वन में आते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट जीएसटी रजिस्टर्ड डेट वाइज आपको दिख जाएगा कि पर डे क्या हमारा क्या है, इस तरीके से बिल नंबर, इस बिल नंबर से इस बिल नंबर तक टोटल इतना बना, इतना जीएसटी रिपोर्ट है, या कि फिर आपको कंप्लीट जीएसटी रजिस्टर बिल वाइज देखना तो बिल वाइज भी देख सकते हो आप। और बी टू बी इनवॉइस, यहाँ पे पूरे कॉलम आते हैं। ये डायरेक्ट अगर आप एक्सेल में क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, जस्ट सिंपल एक्सेल में क्लिक करके यस कर देना है तो आपको एक्सेल में मिल जाती है रिपोर्ट पूरी, और इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके और प्रिंट निकाल सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में हर रिपोर्ट कस्टमाइजेबल है, मतलब आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो, जैसे लेजर प्रिंट वगैरह के फॉर्मेट अगर आपको कुछ चेंजेस कराने करा सकते हैं। सारे कस्टमर को एक साथ एसएमएस करना है, एसएमएस कर दीजिए। यहाँ पे कोई कस्टमर को सर्च करना है तो नाम से या उसके कुछ सरनेम से किसी भी चीज़ से आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने MAI लिखा, और सिर्फ उसके पहले आपको परसेंटेज लगाना है सर्च के, तो यहाँ पे जिस जिस कस्टमर के नाम में MAI है तो वो सब आ जाएगा। इस तरीके से सभी को सेंड एसएमएस करना है तो सेंड एसएमएस में टाइप करिए और यहाँ पे लिख के सेंड एसएमएस कर दीजिए, सभी को एसएमएस कर सकते हो। यहाँ पे बैलेंस शीट, रिपोर्ट, लेयर, आउटस्टैंडिंग, बिल वाइज कलेक्शन, सारी कुछ इजी तरीके से आपका बन जाता है। इसमें आपको आइटम एक्सेल से इंपोर्ट कर लो, प्राइस लिस्ट अगर चेंज होती है तो वो इंपोर्ट कर लो आप। जॉब वर्क का ऑप्शन है, कुछ स्टॉक कम ज़्यादा है, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, उसका मेंटेन करने के ऑप्शंस हैं। रिपोर्ट्स जैसी चाहिए आपको, सेल समरी चाहिए मंथली वाइज, कंपनी वाइज, आइटम वाइज, वो आपको मिल सकती हैं। तो इसमें एक बढ़िया तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। इसमें आपको बिल प्रिंटिंग जैसा चाहिए, चालान ऑप्शन है एंट्री में, फाइनेंशियल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज एंट्री, जनरल वाउचर, और आपके फाइनेंशियल एंट्री, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक एंट्री, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, चेक प्रिंटिंग। तो आपके बिजनेस में कि स्पेयर पार्ट शॉप हो या कि स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का उसमें वर्क होता है तो वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, चाहे वो कितने दिन से किसका पैसा बाकी हो, उस तरह की रिपोर्ट देखना हो, डे वाइज एजिंग देखना हो, या कि बिल वाइज कलेक्शन हो, अकाउंट रिलेटेड हो, पेमेंट रिलेटेड हो, या इन्वेंट्री रिलेटेड कोई ऑप्शन हो, मेल का हो, सिस्टम या एसएमएस का हो, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट हो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। बैकअप ऑटोमेटिक है, आप अपना डेटा मेल में भी रख सकते हैं, और इसमें कच्चे पक्के के भी ऑप्शन है, तो वो आप हमसे बात करके एक बार देख के और पूरी चीज़ें कर सकते हैं। डेमो फ्री है, आप एक बार ट्रायल ले सकते हैं और इसको चला के आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो लोग इसके सॉफ्टवेयर के नीड हैं उनको साथ शेयर करिए इस वीडियो को। इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए अगर कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए, तरक्की करिए। धन्यवाद।